बंदरों का तांडव। राधिका, तुमने मेरी मूंछ क्यों बनाई है? मैंने नहीं बनाई सुधी। रुको, जरूर यहाँ कोई और है जो हमारे साथ शरारत कर रहा है। तो तुम हमारी तस्वीर खराब कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? बज गई घंटी। लगता है अब ये बंदर हमें नहीं छोड़ेंगे। ये भी लो। तुम ठीक तो हो ना राधिका? हाँ, मगर कितने अजीब बंदर थे वो। मैंने ऐसे बंदर पहले कभी नहीं देखे हैं, वो भी इतने सारे। जरूर कहीं और से आए हैं वो बंदर। अरे ये कहाँ से आ गए? भागो! ये तो वही बंदर है किसना। हाँ बल्लू भैया, न जाने क्यों सबको ही परेशान कर रहे हैं। मगर अचानक ये सब कहाँ से आए होंगे? वही पता करना है। इस तरह से तो ये पूरी आनंद नगरी को परेशान कर देंगे। अरे ये कहाँ से आ गए? भागो!
देख रहे हैं आप शहर की व्यवस्था को भोला जी। इन बंदरों ने सबको परेशान करके रखा है। आप हमारे शहर के मुखिया हैं, आपको ही इस समस्या का समाधान करना होगा। हाँ भोला जी, आपको इस मुसीबत को भगाना होगा। ये क्या मुसीबत भगाएंगे? मैं सारे आनंद नगरी वासियों को आश्वासन देता हूँ कि हम इस समस्या का समाधान जल्दी करेंगे। इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है हमारी आनंद नगरी पर। इन बंदरों ने हद ही कर दी है। हाँ नंद जी, और दुर्मुख इस बात का फायदा उठाकर लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। आप चिंता मत कीजिए भोला जी, हम अपनी आनंद नगरी को कुछ होने नहीं देंगे और मैं दुर्मुख के गलत इरादों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। उन बंदरों से निपटने के लिए पहले उसी जंगल में चल के देखना होगा आखिर वो चाहते क्या हैं। चलो दोस्तों। हमारी आनंद नगरी में बहुत तबाही मचा रखी है तुम सबने। ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो? मुझसे डर गए हैं ये बंदर। नहीं पल्लू भैया, ये सारे बंदर लाल पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में रहते थे। वहाँ पर कुछ लोगों ने जंगल के सारे पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए ये सब बेघर हो गए हैं। और कुछ बेचारे बंदरों के बच्चे उन लोगों के पास कैद हैं। इसीलिए ये इंसानों को तंग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें कृष्णा? कल सुबह हम सब वहाँ चलते हैं और उन लोगों को इनके घर से भगाते हैं। हाँ, फिर ये सब अपने घर वापस जा सकेंगे और फिर ये आनंद नगरी में किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ है। हम आपको आपका घर वापस दिलाएंगे। ये जंगल काट कर इन बेचारे जानवरों को बेघर नहीं कर सकते। जंगल काटना बंद करो। ए लड़के, चलो निकलो यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। हम तुम्हें जंगल काटने नहीं देंगे। पकड़ लो इन सबको। छोड़ दो उसे।
अब तुम सबको तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। इन क्या कहना चाहते हैं किसना? ये सब अपने घर आकर बहुत खुश हैं।